इलाके की पिकअप किराए करके पिकअप रैली निकाल रहे हैं। अपने चलाई जैसी भी माई का लाल सूंड गले फिरे इन्होंने के भी चलावागा जैसी। हमने कहा सीधा मिलेंगे, दोनों नेता कह रहे हम भी सीधा मिलेंगे। अरे इसका मतलब आप पहले बांक के मिलते थे, ये बात तो तय हो गई। एक छोटे से किसान के बेटे की हर बात में नकल करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप जितने लोग आज जो गांव से निकल करके आए हो, ये आप अगर तमाम लोग 25 तारीख तक अगर अपने आप को मंगेज मानते हुए लगे रहे तो मैं ये आपके बीच कहता हूँ रिजल्ट है प्रत्याशी आएगा है प्रत्याशी। जगह जीत गए सूचे जिन्होंने मान रखा है कि हम जीत गए। किसान साथी खेतों में लगे हुए लेकिन फिर भी आप ताकत के साथ आए। आपको एक नंबर पर मान रही है वो 11 बजे अपने आप को दो नंबर पर मानने लग जानी चाहिए। ये काम आपका है। हम तो जवान के पक्के लोग हैं। आज कह रहा हूं आपके भाई ने जो बात कह दी वो बात पत्थर की लकीर है। पिछले विधानसभा में कहा था किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी किसान की एक की जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा। मैं आज छाती ठोक करके इस चौपाल में बोल रहा हूँ कि किसान के बेटे ने नौर विधानसभा की हजारों बीघा नीलाम होती जमीन बचाई है। और आज कह रहा हूँ गांव के अंदर आज से 50 साल पहले आबादी भूमि कटी, गांव बड़े, परिवार बड़ा, समाज बड़ा, बड़ा बड़ा। इस सरकार के पास कोई योजना नहीं, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं कि गैर आबादी के मकानों के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। आपका भाई मंगेश कह रहा है कि अगर जीत करके गया तो राजस्थान की विधानसभा में रड़क पार दूंगा रड़क, अगर नहीं जीता तो आपके बीच कह रहा हूं किसी भी गरीब के मकान की एक ईंट नहीं अलाड़े दूंगा। अगर वो बुलडोजर चलेगा तो आपके भाई की छाती पर चलेगा, आपके बीच कह रहा हूं। हर जगह जगह जीत गए सूते है हर जगह आ कह नहीं कामरेड ने वोट दिया मारो राज आ जाएगो मारो काज आ जाएगो। मैंने कहना चाहू नौर विधानसभा क्षेत्र के 50 ऐसे गांव हैं जिन गांव में 50% अकेला कामरेड रहेगा और 50 में दोनों खेलेगा। बा 50 गांव ऊपर राज बुलडोजर चढ़ा देगोगे पीच करके पानी निकाल दे औकात नहीं राज के, आपके बीच कह रहा हूं। बटा कह मारो थानेदार लाग जेगो मारो SDM लाग जेगो फिर क्यों जे थानेदार हूं। अरे क्या होता है SDM? जनता का बनाया हुआ ब्यूरोक्रेट होता है। आपके आशीर्वाद से 33 साल की उम्र में 12 थानेदार ठीक किए। और आज कह रहा हूं जहां आपके नाक कान की लड़ाई होगी वहां सरकारों के साथ टकरा जाएगा आपका भाई, आपका नाक नीचे नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत में। दूसरी बात कुइयां में एक थानेदार हूं तो वो एक बार ढोल रुकवा कुइयां में एक थानेदार हूं तो उछल कूद कर तो थानेदार के 7 दिन तक गदा चरवाया आप थाने में गदा मंदवा दिया। फिर एक बिल्ली बोलियो कि यार कामरेड
आ बात गलत है यार, वो तो कोई आंदोलन थोड़ी हो। मैं कहो भाई आप सगड़ी कौमों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग है, अपने खेत में काम करने वाला ग्वालिया है बेचारा, आगे थे बताओ हेलीकॉप्टर कठू गए तो गदाई गमे जगी चीज गमी भी कर सकती है पट्टा पा। साथियों उनकी बौखलाहट है, अब बौखलाहट के दौर में गुजर रहे हैं। मंगेश ने जनता के बीच प्यार करके जनता के साथ रहते, जनता के हर हक के लिए सड़क पर लड़ते हुए आपके बीच आपके दिल में जगह बनाई है। इन दोनों नेताओं की तरह लोगों को डरा करके, लोगों को धमका करके, लोगों को गाड़ियों रोकने का धमकी दे करके वोट नहीं लेता। हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, आपके लिए लोगों के दिलों में जगह नहीं है। 25-20 अक्टूबर के बाद आज तक चुनाव लड़ रहा हूं, लोगों ने हजारों रुपए की आर्थिक मदद की है चुनाव में, लेकिन मैं आज आप हजारों लोगों के सामने इस बात की घोषणा करता हूं कि 20 अक्टूबर से लेकर के आज 21 नवंबर तक हजारों लोगों ने मंगेश चौधरी को आर्थिक मदद की है, उन सब लोगों का धन्यवाद। लेकिन एक बात कहता हूं, एक भी चोर डकैत जनता के पैसे खाने वाले चोर की माला मंगेश ने गढ़ में नहीं डलवाई आपके बीच कह रहा हूं। या अभी थोड़े समय पहले हमारे मजदूर साथी स्वागत कर रहे थे, उनकी खून और पसीने की कमाई अपना पेट काट करके हमारे किसान साथियों ने मजदूर साथियों ने मदद की है। मैं उनकी तरह बड़े लोगों की जोड़ी में जाकर के नहीं बैठने वाला, न बड़े उद्योगपति बड़े पूंजीपति जो इनको पैसा देते हैं जिनके आगे ये उछल कूद करते हैं, उनके आगे उछल कूद करते हैं जो इनको 11 लाख 21 लाख 33 लाख रुपए का चंदा देते धन के लगे। और जो को बीज चोर हो और बिना राज की छूटी चोरी कर ली, बिना राज की छूट नहीं करता, राज का इशारा था लूट करके खाओ, अगर आपको कोई रोके तो हम आपके साथ खड़े, ये कहने वाले नेताजी थे। लेकिन उनको पता नहीं कि ये मंगेश जितना दिन में चलता है उतना रात में भी चलता है। और आज कह रहा हूं किसान साथियों, 25 को वोट गिरेंगे, 26 ने सारे दिन सोच, 27 तारीख को उस बीज वाले चोर के खिलाफ लग जाएंगे। और आज कह रहा हूं जगह बीजेपी यार बकवास करता फिरे कह भी बीज चोर को क्यों हो, बने कहना चाहू 26 तारीख के बाद उस बीज चोर को और जिन लोगों ने मिलकर के आपके बीज के ऊपर डाका डाला है उन सब लोगों को जेल का दर्शन करवाऊंगा आपके बीच कह रहा हूं। साथियों मैं सीधे से किसान का बेटा हूं, हमारी साथ हमारे मंच पर बैठे लोग सीधे साधे खेती करने वाले लोग हैं, हमारे पास चोले वाले नेत नहीं, हमारे पास कोई सैकड़ों सरपंच नहीं, हमारे पास वो लोग नहीं जो कहते हैं कि फलाने गांव के अंदर हमारे फलाने लिख दो, ढीकड़े गांव में ढीकड़े लिख दो। मेरे पास तो जो साथी बैठे 90% लोगों की शक्ल जानता हूं, आप सीधा आओ सीधा मिलो सीधा कार्यक्रम है, लेकिन उन लोगों के पेट में इस बात का दर्द है कि सीधे से किसान को बेटो MLA क्यों बन लाग रही, बांगो दर्द बिचारा वो जाए जैसे का गाँव जका चोड़ारा नीत है नहीं, बांगे दुखी बात को है कैसी जैसे किसान को बेटो MLA क्यों बढ़ने लग रही है, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। मुझे शर्म आती है ये बात बताने में, बेटा के कह क्या कामरेड ले रहिया कर दियो बी बीज चोर ने पकड़ायो को नहीं, मैं क्यों मैं तो 3 बजे तक बैठो रहेगी FIR कराई हूं, जका FIR कराए बन पकड़ाओगे भी मैं गारंटी लेके कहूं, लेकिन आ खातर क्यों को नहीं कह जगह कहने वाला नेता। आपको पता है आज से 2 साल पहले पंचायत समिति के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा पंचायत समिति के चुनाव में हमारी पार्टी के डायरेक्टर जीते 3, कांग्रेस के जीते 13, भारतीय जनता पार्टी के जीते 11। जब प्रधान का चुनाव हुआ हमारी पार्टी के 3 हमारे ढोलकी में आए, बीजेपी के 11 की बजाय 10 रह गए, कांग्रेस के 14 है, बीजेपी का एक मेंबर बकरों की तरह बिक गया, माई का लाल कोई पूछने वाला नहीं,
गम्मा एडे बीजेपी ने पूछो क्या भाईओ कितने रिपीएम बिक्यो था लो सामान हमारा, अगर हमारे दो डायरेक्टर पार्टी गई मंच पर बैठे हैं, मुझे खुशी है सीधे साधे किसान के बेटे हैं, 60-60 लाख रुपए एक डायरेक्टर के दे रहे थे, 60-60 लाख रुपए। लेकिन आपकी पगड़ी की लाज रखने के लिए हमारा कोई भी कार्यकर्ता बिका नहीं। साथियों मैं एक बात कह रहा हूं, हम जान दे सकते हैं लेकिन जिंदगी में कभी बिकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, आपके बीच रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके मान सम्मान को खत्म नहीं होने देंगे कभी भी। अब तक तो मैंने लड़ाई लड़ी थी सिर्फ बागड़ की और बीमे की, आज कह रहा हूं हमारे भाखड़ा बेल्ट के हजारों किसान आज इस लड़ाई में आए थे। जिसको आपने बनाया है वो आपकी बात नहीं कर सकते कभी भी माई के लाल। मैं कह रहा हूं नोर फिल्टर की लड़ाई हमने शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर सिंह पूनिया कलेक्टर की जोड़ी में जाके बैठ गया और ये कहा कि कलेक्टर साहब हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, कलेक्टर कन जागे राजीनामो करिए हो। मैंने तो उस समय भी कहा था कि बादरा मोड़ पर हजारों लोग अगर इकट्ठे होते तो मुझे पता है CP4 पर भी ये लड़ाई हमारी सक्सेस होती, CP4 पर हमारा पानी पूरा आता। लेकिन उस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीच में खत्म कर दिया। अब आप मेरे साथ जुड़े हो, आज कह रहा हूं चुनाव के बाद किकली बजा देंगे, किकली बाकड़ा बेल्ट की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपके बीच कह रहा हूं हर सूरत में इस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे, बीमे की लड़ाई को भी हम लड़ेंगे और जो गैरबादी के मकान है उनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। साथियों ये तमाम लड़ाइयां अगले 5 साल तक आपके बीच रहते हुए लड़ूंगा। आपके बीच ये बात कह रहा हूं, आपका मंगेश कभी भी बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। मेरा जो पूरा चुनाव आप तमाम लोग लड़ रहे हो, लोगों ने विधानसभा के चुनाव के दौरान हजारों रुपए की आर्थिक मदद की है, लोगों ने अपने पलक पावड़े बिछाए। मैं नोर के आखिर गांव मालासर तक गया हूं, मैं मायड़ा गया हूं, मैं लाखेरा गया हूं, हर गांव के लोगों ने सर अंकों पर बैठा करके मेरा तो मान सम्मान किया है। मैं आपका तय दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप पर जान लुटाता हूं कि आप लोगों ने एक सीधे से किसान बेटे को जिसकी औकात नहीं थी MLA बनने की, लेकिन आपने जिस प्रकार का प्यार और मान सम्मान दिया है, ये मैं पूरा आपका प्यार और मान सम्मान शरीर के खून का एक एक कतरा आपके लिए लगा करके पूरा करने का प्रयास करूंगा। साथियों मैं आपके बीच कह रहा हूं अगर किसी भी चीज की कमी रहेगी आपके बीच झोली फैला लेंगे, सरकारों से भिड़ जाएंगे, सरकारों से लड़ देंगे, लेकिन हमारे एक भी कार्यकर्ता हमारे एक भी वोटर्स का कभी नाक नीचा नहीं होने देंगे। हमारे खिलाफ अगले 3 दिन में 2 प्रकार की बकवास फैलाने का प्रयास करेंगे, उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये बात कहेंगे कि कामरेड जीतेगा नहीं, वोट खराब मत करो। मैंने एक बात बताओ, जीता लोग आज अपनी मीटिंग में आ रहे हैं, इनकी दोनों की मीटिंग हो गई। अगर इतने लोग इनकी मीटिंग में थे तो आप हाथ खड़े करके बता दो कि इतने लोग इनकी मीटिंग में थे। तीसरी पंक्ति के लोग नहीं आते और ये कह रहे हम जीतेंगे। मैं आज कह रहा हूं गलती मत कर देना, एक एक वोट हर आदमी को और जोड़े और जिस दिन रिजल्ट आएगा एक किसान का बेटा इस इलाके का आम किसान जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। मैं आपसे एक बात का विश्वास चाहता हूं, आज से लेकर के 25 तारीख तक खुद को मंगेश मानते हुए हर कार्यकर्ता को, हर किसान को, हर बुजुर्ग को, हर महिला को वोट मांगने। और एक बात और कह रहा हूं, 24 तारीख को याद रखो, सब लिख लो, 24 तारीख को किसी भी कार्यकर्ता को अपने गांव से बाहर नहीं जाना है, किसी भी गांव की किसी भी डाणी में 24 तारीख को एक दिन एक साथ पूरी विधानसभा के घर घर में वोट मांगने हैं, गांव के कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठे होकर के 24 तारीख को एक एक घर तक हमारा बेल्ट पेपर पहुंचना चाहिए।
क्या इस बात में सहमत हो तो सभी हाथ खड़ा करके समर्थन करें, सभी हाथ खड़ा करके समर्थन करें। 24 तारीख को एक एक कार्यकर्ता के को साथ लेकर के एक एक किसान, नौजवान, मजदूर, विद्यार्थी सबके घर घर तक पहुंचना है। और मैं आज कह रहा हूं 25 तारीख को 4 नंबर का बटन, दांती हथौड़ा और सितारे का बटन दबाना है। और एक बात और कह रहा हूं, अभी साथी आराम से बैठे 5 मिनट की बात करेंगे, और जो को गाँव जो का चाल गया यहाँ आप क्या खतर चाल गया है बताऊं, क्या खतरा यहाँ आप ही बात खतरा यहाँ, क्या बाजार को पता चले, शहर को पता चले कि गांव के किसान जाग चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं एक भी किसान साथी रैली से इधर उधर नहीं जाएगा, सबसे आगे जो गाड़ी चलेगी माइक वाली उसके पीछे डीजे, उसके बाद भीड़, फिर मेरी गाड़ी, फिर भीड़, फिर पीछे लास्ट में डीजे। एक भी अनुशासन नहीं तोड़ना है। एक मेरा निवेदन है, जब वापस जाओ तो सब साथियों जो मेरे को फॉलो करते हैं या मेरी पार्टी को जो लोग फॉलो करते हैं, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपनी गाड़ियों को धीरे चलाना है, कोई भी स्पीड में गाड़ी को नहीं चलाना है। जिंदगी बहुत प्यारी है। सभी जो नौजवान साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप अपने घर के तारे हो, आप अपने परिवार के सब कुछ हो, आप परिवार परिवार के लिए आप ही सब कुछ हो। आप अगर गाड़ी को तेज चलाएंगे, जब आपका दिया बुझ जाता है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस परिवार के साथ क्या बीतती है। मैं आपसे ये सोगन चाहता हूं कि आप जिंदगी में गाड़ी को आज नहीं परमानेंट ही गाड़ी धीरे चलाएंगे। और हर नौजवान जब भी शहर में आए तो हेलमेट पहन करके आए, जब मेरी रैली जाए तो लगनी चाहिए अनुशासित भीड़ है। अब मेरा जो बेटा है विदित, वो भी कह रहा है कि मैं 2 मिनट बोलूंगा। साथियों वो कह रहे हैं कि मैं निवेदन करूंगा हमारे बुजुर्गों के बीच। मैं निवेदन करता हूं कोई भी साथी को खड़ा नहीं होना है, बैठे रहना आराम से, नारे लगाते जोश के साथ, ताकत के साथ यूं चलना है, झूमते हुए, गाते हुए, इनकलाबी नारों के साथ। और ये लगना चाहिए कि इस बार नूर के अंदर मामला सेट हो गया है, दांती हथौड़ा और सितारा जीत रहा है। और एक बात का बहुत सारे नौजवानों की भीड़ ज्यादा होने के कारण, या जिन गांव से जो वाहन आए हुए वो वाहन के लोग रुक जाएंगे, आपको जाने की व्यवस्था करी जाएगी, आप यहाँ बैठे, चाय पानी की व्यवस्था है, चाय पानी पिए। मैं निवेदन करता हूँ नारे लगाते हुए जाए। और मैं आज कह रहा हूँ जिका जीते को नहीं बनकू आंखें बटन खोल के सामने देख लो, रड़क पाट रही है। और राजस्थान के विधानसभा में भी रड़क पाट देंगे, रड़क जब विधानसभा चाले करेगी आपके नाम से राजस्थान की विधानसभा थर्राएगी आपके बीच, कह रहा हूं। अब साथी विजित बोल बेटा, यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हम बाद में भाषण देंगे, पहले मैं अपने बाबा बहन एक कविता कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना भाषण बोलूंगा। नोर को आगे बढ़ाना है, मंगेत को जिताना है। सभी किसानों, नौजवानों, महिलाएं, बुजुर्गों आए हैं उन सबका मैं विधि चौधरी दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे पापा किसानों के लिए लड़ते हैं, मेरे पापा को वोट देकर जिताएं, वो आपके लिए सरकारों से टकरा जाएंगे। मेरे पापा को वोट देकर जिताने पर वही आपकी जीत मानिए, क्योंकि एक बात जरूर होती है, मेरे पापा की जीत आपकी जीत है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। शुक्रिया किसानों, मैं अपनी बात रखता हूँ।
सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि वो एक बार बैठे रहे, ये सभी चले जाएं, उसके बाद आप जाना। माताएं बहनें एक बार बैठी रहें, ये सभी चले जाएं, उसके बाद जाना। महिलाएं साथी रैली में नहीं जाएंगी, वो एक बार यहीं रहें।